यह सरकारी सिस्टम में ऊपर से नीचे तक फैले भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत। कैमरे के सामने दी गई पूरे 40 लाख रुपए की रिश्वत। दो दो हजार के नोटों की गड्डियां, 500 के कड़क नोटों की गड्डियां रिश्वत में दी गईं। यह पूरे 40 लाख रुपए जो एक सामाजिक कार्यकर्ता संदीप येवले को पहली किश्त के तौर पर दिए गए। मुझे लेक्यू डेवलपर्स के डायरेक्टर निरंजन हिरानंदानी, रॉक स्पेसिस के डायरेक्टर और ओमकार रियल्टर्स के डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर व्यवस्थापक संचालक बाबूलाल वर्मा, इन्होंने कौशिक मोरे जी जो ओमकार रियल्टर्स के डायरेक्टर है इनको भेजा। उनके साथ मेरी 13 मीटिंग हुई और उन्होंने मेरे को 11 करोड़ का तय हुआ। संदीप को यह रिश्वत ओमकार बिल्डर की तरफ से दी गई। संदीप को ये रुपए ओमकार बिल्डर ने मुंबई के विक्रोली पार्क साइट इलाके में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के प्रोजेक्ट के लिए सर्वसम्मति बनाने के लिए रिश्वत के तौर पर दिए। एसआरए प्रोजेक्ट में किस हद तक भ्रष्टाचार हो रहा है इसे सामने लाने के लिए संदीप ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और रिश्वत देने का वीडियो बना लिया। ये वीडियो 31 मई का है जब ओमकार बिल्डर के दो कर्मचारी संदीप के घर आए और उन्होंने उसे 40 लाख रुपए की रिश्वत दी। आप देख सकते हैं बिल्डर के दो कर्मचारी आए, इनमें से एक के हाथ में रुपयों से भरा थैला है। थोड़ी सी बातचीत के बाद उन्होंने संदीप को रिश्वत देनी शुरू कर दी। थैले में पैकेट से नए नोट निकालकर संदीप को दिए गए और संदीप उन्हें गिन गिन कर रखते रहे। रिश्वत देने के बाद जब बिल्डर के कर्मचारी चले गए तो संदीप ने बकायदा कैमरे के सामने आकर बताया कि उन्हें कितने रुपए मिले। संदीप का आरोप है कि बिल्डर से एसआरए प्रोजेक्ट के लिए हनुमान नगर के लोगों में सर्वसम्मति बनाने और प्रोजेक्ट में आरटीआई न डालने का सौदा तो 11 करोड़ रुपए में तय हुआ था। उनमें से उन्हें 1 करोड़ रुपए बतौर पहली किश्त दी गई। इनमें 29 मई को 60 लाख रुपए और 31 मई को 40 लाख रुपए दिए गए। 29 मई को गांगुरडे जो लड़का है उनको भेजा, जो उनका रिलेटिव है ऐसा वो बोल रहे थे, और 31 मई को राजू नागप इनको 40 लाख रुपए भेजा, वो भी उसका रिलेटिव है, और कौशिक मोरे खुद बोले कि मिनिस्टर के पास मैं इनके थ्रू ही पैसा भेज देता हूँ। मुंबई के विक्रोली में हनुमान नगर में 64,000 मीटर जमीन है। यहाँ करीब 5 सोसाइटी हैं। हनुमान नगर में 2,500 परिवार रहते हैं। यहीं पर एसआरए का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। संदीप का आरोप है कि एसआरए के अधिकारी, पुलिस और बिल्डर एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए वो इस घोटाले के सबूत समेत मीडिया के सामने आए। संदीप का कहना है कि रिश्वत के तौर पर उन्हें करोड़ रुपए की जो पहली किश्त मिली उसे वो मुख्यमंत्री राहत कोष या फिर नाना पाटेकर की संस्था को दान में देंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास कैसे जाएंगे, क्योंकि मैं कोई सरकारी ऑफिसर नहीं या वो सरकारी ऑफिसर नहीं, नंबर एक। नंबर दो, मुझे खुद एसआरए के सीईओ विश्वास पाटिल ने ऑफर दी थी। एसआरए के जो सेक्रेटरी है ठाकरे से लेके उसके बाद में भिसे और इंजीनियर, उन्होंने ऑफर दी। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कुलकर्णी, इन्होंने मुझे ऑफर दी। तो पूरी जो सिस्टम है वो बिल्डर के तलवे चाट रही है, तो ऐसे सिस्टम के ऊपर मैं कैसे भरोसा रखूं? तो जो सिस्टम, जो व्यवस्था हमारा शोषण करती है वो व्यवस्था हमको नहीं दे सकती।